नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे जनरल साइंस के बारे में। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 900 क्वेश्चंस के करीब खत्म कर चुके हैं। याद रखिए, वो सभी क्वेश्चंस से संबंधित जितने भी आपके लेक्चर हैं, वो सभी जनरल साइंस के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। 901वां क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? याद रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ताजे पानी का हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ताजे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा है 4 डिग्री सेल्सियस पर, सेंटीग्रेड पर। ताजे पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान, किसी यौगिक का न्यूनतम नाम है एन हेप्टेन का। ठीक है, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर तीसरा, औषधि में स्वापक एनिस्थीसिया के रूप में यौगिक के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर चार, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो याद रखना, अनुपात। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं किलोग्राम दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर पांच, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती कर सकती है? तो याद रखना, निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब पर आयतन सबसे ज्यादा होता है और आयतन उच्च होने से गैस का अणुओं का आयतन गैस के टोटल आयतन की तुलना में नगण्य हो जाता है और वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। उच्च ताप पर गैस के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल कम हो जाता है, अतः वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसे जैसा बिहेव करती है। क्वेश्चन नंबर छः, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सात, लोहे में बहुत सीक जंग कहाँ लगती है? तो आसूत जल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ, जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका नौ, वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटाइट है तो याद रखना Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट है। Fe2O3 है हेमाटाइट, Fe CO3 है सीडीराइट, 2 Fe2O3 H2O जंग लगा लोहा है। क्वेश्चन नंबर 11, वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट है तो याद रखना ये होगा पोर पॉइस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है तो याद रखना 0.5 से 1.5 फीसद। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया करती है? तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जल का स्थानांतरण है तो याद रखना है आपको अपसुगठित और संसुगठित, इसमें सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, एक सुई या पिन जल के पेस्ट पर इसके कारण फिलाओमान होती तैरती है, पेस्ट तनाव। ठीक है, पेस्ट तनाव द्रव के भीतर का अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है। द्रव का ऊपरी पृष्ठ या सतह स्वतंत्र होता है, जिसे स्वतंत्र पेस्ट कहा जाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के द्रव्यमान
दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। दो परतों के बीच होने वाले आपेक्षित गति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, इस बलों को स्यान बल कहते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत श्वेत फॉस्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है, तो याद रखना मिट्टी का तेल। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के तेल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है, तो याद रखना ए जी। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्वतः विक्रम के लिए डेल जी त्रिभुज की आकार का डेल जी ऋणात्मक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखना गामा किरणों की। गामा किरणों के गुणों की बात करें तो ये विद्युत एक किरण विद्युतता उदासीन होती है, इस कारण विद्युत क्षेत्र में होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती हैं। एक किरणें अति लघु तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक किरणें कणों की नहीं बनी होती हैं, इनका वेग विकास के वेग के लगभग बराबर होता है, इनकी मात्रा शून्य होती है, अतः गामा किरणें आद्रव्य प्रकृति वाली होती हैं। अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में सबसे अधिक होती है। इन किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण इनका फोटोग्राफिक प्लेट एवं जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइड पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अल्फा किरणों के गुणों की बात करें तो ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों के बने होते हैं, इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करने पर ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। प्रयोग के आधार पर यह पाया गया कि अल्फा कण वस्तुतः द्वि आवेशित युक्त हीलियम आयन है, इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी होती है। ये कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं, इसका वेग विकास के वेग का लगभग 1/10 भाग है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा इसी की व्याख्या, इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इनकी किरणों को किसी गैस से होकर प्रवाहित करने पे आयनित कर देती है, सबसे कम भेदन क्षमता है। बीटा किरणों के बारे में बात करें तो ये किरणें आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है, इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करने के समय किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। इन कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ई अपॉन एम के थोड़ किरणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के समान होता है, अतः ये किरणें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हैं। इन किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है। इन कणों का वेग विकास के वेग का लगभग 9/10 भाग होता है, अर्थात इनका वेग अल्फा कण के वेग के 9 गुना होता है। इनकी गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम होती है क्योंकि इनका द्रव्यमान कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है, तो आपको याद रखना द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य ना माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाबमान समान होता है, उसे पास्कल का पहला नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शैली में मौजूद रह सकती है, तो याद रखना 18। क्वेश्चन नंबर आपका 22, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं, तो याद रखना दो आवरणों से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्रों में गोताखोर द्वारा किया जाता है, तो यह है डी ऑप्शन हीलियम। क्या है? हीलियम। आगे बात करते हैं, उच्च दाब पर गैस का प्रेशर अधिक होता है जिसके कारण गोताखोरों को ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है, जिसे कम करने के लिए हीलियम अक्रिय गैस भरा जाता है।
यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो याद रखना 146। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हेबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, इसके तीन समस्थानिक हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा यूरेनियम 238 की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो याद रखना विसरण और कोशिका क्रिया, ए बी ऑप्शन दोनों है। ठीक है, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो याद रखना अल्प पराशरण दाबी घोल में। ठीक है, अल्प पराशरण दाबी घोल में कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, अति पराशरण दाबी घोल में कोशिका का आयतन घट जाता है, सम पराशरण दाबी घोल में कोशिका का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला है 927वां क्वेश्चन। CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है, तो याद रखना है आपको एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 28, रबड़ किसका उत्पाद है? तो याद रखना लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 29, स्याही किससे बनाई जाती है? तो याद रखना रंजक। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 31, रेडियो कार्बन का निर्धारण किसकी आयु करने का आकलन करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो याद रखिए जीवाश्म फॉसिल। ठीक है, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन को C14 पद्धति भी बोला जाता है। यूरेनियम पद्धति में पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु गति प्रारंभ करते हैं, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? जल अपघटन। जल के साथ किसी भी यौगिक को अभिक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे जल अपघटन कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण, जब किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तथा उसमें हाइड्रोजन भाग लेता है तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? तो याद रखना H2SO4। क्वेश्चन नंबर 35, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? सहसंयोजी यौगिक, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो याद रखना ओजोन और CO2। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, तंबाकू के धुएं में यह अंतर्विष्ट होता है? तो याद रखना CO बहुचक्री, एरोमेटिक हाइड्रोजन और तारकोल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, रेखिल स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, क्या होगा H2 हाइड्रोजन अणु के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, सार्वत्रिक विलायक है? तो याद रखना जल। क्वेश्चन नंबर 41, शुष्क विरंजन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, क्रायोलाइट है? तो याद रखना Na3AlF6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है आपको? तो याद रखना एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44, इक्वा रेजिया अम्लराज में क्या होता है? तो याद रखना सांद HCl के तीन भाग और प्लस सांद HNO3 का एक भाग। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो
याद रखना 45 का आपका होगा डी। 45 में क्या होगा डी, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट और तनु H2SO4, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 46, मंड स्टार्च किसका उदाहरण है, तो याद रखना पॉलीसेकेराइड का, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है, उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो याद रखना सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 48, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या ह्रास होती है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा विदूषक जिम्मेदार है, तो याद रखना CFC। ठीक है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो याद रखना एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो याद रखना हाइड्रोजन नहीं है, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग की जाने वाला विबंधक है, तो याद रखना ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 53, जलीय विलयन की सांद्रता के कारण परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, पीएच मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, तो याद रखना क्लोरीन। यह हेलोजन गैस के रूप में उपयोग होती है, लाइट के अंदर इसका उपयोग करते हैं जिससे रोशनी बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, बरसात के दिन जल पर छोटी तितलियां परतों में चमकीले रंग की दिखाई देती हैं, यह किसके कारण होता है, तो याद रखना अपवर्तन, विकिरण के कारण नीला आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखना हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने 1896 में इसकी खोज की थी। एनरिको फर्मी ने विटामिन की खोज की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, मैडम क्यूरी ने यूरेनियम की खोज की। क्वेश्चन नंबर 57, दहन एक है, तो याद रखना रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, हेमाटाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, भोपाल ए पियर फोर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है, औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था, तो याद रखना मेथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो याद रखना आपको पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 61, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की खोज भाभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो याद रखना कार्बन। क्वेश्चन नंबर 63, पादप कली है, तो याद रखना एक भ्रूण कोष की, भ्रूण पोष पोष। ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो याद रखना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65, फिलास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो याद रखना मेथेन को, मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है, प्राकृतिक गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर दैवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है, रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है।
क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में हॉर्न्स सिग्नल देने में किया जाता है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो याद रखना, गन्ना से। एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। गन्ना के खोई से बिजली प्राप्त किया जाता है। चावल में थाइमिन पाया जाता है। वायु डीजल, फरंद सूरजमुखी, जेटोफा, पेंगामिया, अंडी आदि से वायु डीजल निकाला जाता है। वायु डीजल का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन से एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? तो याद रखना, चांदी। गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातु है। सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम। प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। लोहा अयस्क, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लेमोनाइट, आयरन पायराइट है। हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। कांस में तांबा 90% और टिन 10% मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो आपको बता देना है, निष्क्रियकरण, ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किससे ओरम कहा जाता है? तो याद रखना, सोना, ठीक। सोना को ओरम कहा जाता है। सोना मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। सोना सबसे अगाधवर्ण धातु है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। सोना शुद्ध 24 कैरेट का होता है। आभूषण आदि बनाने में 22 कैरेट का सोना प्रयोग होता है। इसका कारण कठोरता बनाना होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, इस कारण लेने में कठिनाई होती है आकार लेने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो याद रखना, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? प्रोपेन, प्रोटेन, ठीक है। प्रोटेन में कण में सकारात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675×10^-27 होता है। न्यूटन की खोज चैडविक के द्वारा की गई और इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन द्वारा की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, बेकिंग सोडा क्या है? तो आपको बता देना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अग्निशामक में CO2 का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टन नोबल गैस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगीन गंधहीन नहीं है? तो याद रखना, क्लोरीन नहीं है, बाकी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा एक पेय जल का शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 78 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? ताम, निकल, मिश्र धातु के, ठीक है। 5 और 10 रुपए के सिक्के तांबा और निकल मिश्र धातु से बनते हैं। भारत सरकार सिक्के तथा कांस्य, चांदी, सोना का पदक उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में टकसाल है। मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 में की गई थी और नोएडा में जो टकसाल है इसकी स्थापना 1989 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो याद रखना, सल्फर यौगिक।
सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है, जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी में सल्फर का यौगिक मेथाइल मरकोप्टन मिला रहता है। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी उच्च दाब पर दहित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। फिड्यूसर गैस, यह गैस लाल तख्त कोप पर वायु वायु प्रवाहित करने वाली है। इस गैस में मुख्यतः CO2 गैस ईंधन का काम करती है। इसमें 70% नाइट्रोजन और 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, माचिस की तीलियों में होता है, तो याद रखना फास्फोरस। माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीलियों में किया जाता है। श्वेत श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है लाल फास्फोरस से। लाल फास्फोरस से काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है। फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का अवश्य अवयव है। यह हड्डियों और जीव कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 82, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसमें डी होगा। अम्ल नीले लेटमस को लाल रंग में बदल देते हैं और क्षार लेटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। ठीक है, यह होगा आपका क्षार लाल लेटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो याद रखना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, पानी हाइड्रोजन की को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, 1 और 2 रुपए के सिक्के बनते हैं, तो याद रखना फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है, तो याद रखना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से भिन्न ज्ञात करें, तो याद रखना हीलियम। हीलियम नोबेल गैस है, निष्क्रिय गैस जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन कैप्टन, जीनोन और रेडोन उत्कृष्ट गैसें हैं। रेडोन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। Na2CO3, धोवन का सोडा सूत्र, H2O जल का रासायनिक सूत्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस एथानोइक एसिड होता है, तो सफेद सिरका में। ठीक है। एथानोइक एसिड सफेद सिरका में होता है। एथानोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। एथानोइक एसिड का साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। संतरा में सेट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सेट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो लाल रंग प्रदान करता है, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो याद रखना नमक का। क्वेश्चन नंबर 91, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो याद रखना पिच ब्लेंड। ठीक है। रेडियम का पिच ब्लेंड खनिज है। रेडियम पिच ब्लेंड एस से प्राप्त होता है। यूरेनियम कार्बेनेहाइड फी ब्लेंड एस से प्राप्त होता है। रेडियम चमकने वाली धातु है जो विभिन्न प्रसाधन में प्रयोग होती है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु क्षेत्र में होता है। जादूगोंडा से यूरेनियम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो याद रखना मेंडलीव। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी हेनरी मॉस्ले ने तैयार की। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त प्रणाली के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके यौगिक उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मोसले के आवर्त सारणी तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन है होते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 93,
वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो याद रखना ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 94, C12 H22 O11 के रूप में जाना जाता है, चीनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको याद रखना है 95 में आपका हुआ डी, कॉपर ऑक्साइड, डी ऑक्साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96, ठोस आयोडीन का रंग होता है, तो याद रखना बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। क्वेश्चन नंबर 97, हवा में मौजूद निम्नलिखित में से गैस में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो याद रखना गाजर, पनीर है, अंजीर है, कोलाइड ग्रीन्स है। गाजर विटामिन ए का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 99, यदि एक पदार्थ का पीएचमान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा एसिड तेजाब। ठीक है, हमारे शरीर में 7 से 7.8% 8 pH परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मोहे के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 1000, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात का बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना होता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अवकरण में विद्युत धनात्मक परमाणु में कमी आती है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकारक जो पदार्थ ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ा संख्या घटा देता है वह अवकारक है। ठीक है, तो ये थे आपके 1000 क्वेश्चन, 1001 से आगे देखेंगे।